रक्षाबंधन के मौके पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय परिवार के साथ बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे और सीएम साय ने यहां महाकाल की पूजा की, अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। लेकिन इस दौरान उनकी मुलाकात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से हुई। सीएम ने कहा कि ये संयोग ही है कि मैं भी यहाँ आया था और वो भी यहाँ आए, जिसके बाद दोनों के बीच सौजन्य मुलाकात हुई। ये मुलाकात पहले मंदिर में हुई, उसके बाद उनके निवास पर भी हुई। उन्होंने कहा कि ये केवल सौजन्य मुलाकात थी, इस मुलाकात में किसी भी तरह की राजनीतिक चर्चा नहीं की गई है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने ये भी कहा कि मैं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का स्वागत करता हूं, जो महाकालेश्वर मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे थे, और छत्तीसगढ़ से हमारे रिश्ते जो हैं वो काफी मजबूत हैं। नहीं, सौजन्य मुलाकात थी, संयोग से आज वो भी यहाँ थे और हम भी बाबा महाकाल के दर्शन के लायक थे, तो सौजन्य मुलाकात थी। नहीं, सौजन्य मुलाकात हुई। हमारे बाबा महाकाल का वैभव बड़े, हर सवारी में हमारे अलग अलग अतिथि आए, उस क्रम में आज छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच बाबा के हाजिरी लगाने आए। मैं उनका वंदन करता, अभिनंदन करता हूँ। और मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ का तो वैसे ही हमारा पैतृक संबंध, हमारा पुराना मध्यप्रदेश का ही एक तरह से हिस्सा था, और आदिवासी संस्कृति के नाते से जो हमने प्रयोग किया है कि हमारे बाबा महाकाल के सभी जिलों से, खास करके ट्राइबल के जिलों से भाई बंधु आए, उस क्रम में अलग अलग जिलों की मंडलियाँ भी आ रही जो हर बार बाबा की सवारी में आ रही है। आज तो मुख्यमंत्री आ गए और आनंद आया, इस आनंद में हम सब सहभागी है। बाबा की कृपा।